reduction. केवल क्लेमेंसन रिडक्शन आपको इसमें ब्रैकेट में एक चीज लिखनी है कि एसिडिक मीडियम. ये क्यों लिखा मैंने अभी आपको बता दूंगा. पहले हम लिखते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है. ठीक है बेटा, रिएजेंट से काम करते हैं हम लोग एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं. ठीक, ये होता है हमारा क्या इसका रिएजेंट. ठीक, जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल. अमालगम क्या होता है, एक मर्क्यूरी का किसी भी मेटल के साथ अगर आप अलॉय बनाते हैं उसको हम अमालगम कहते हैं. सिंपल सी बात है, यहां पर मैं कोई दूसरा मेटल लिख लू तो वो बात अलग हो जाएगी. बट याद रखना क्लेमेंसन रिएक्शन के अंदर आपको क्या चाहिए, जिंक और साथ में मर्क्यूरी दोनों का एक अलॉय चाहिए, साथ में एचसीएल चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब ये यूज करके हम किस तरीके से अपने चीजें वर्कआउट करने वाले अभी देखते हैं. एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके लिए कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. ठीक, या फिर मैं आपको लिखता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो हमारे पास. ठीक है, इसकी रिएक्शन में करवाऊं जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल. यहां भी हम क्या करते हैं, जिंक अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल. ठीक, एक बात समझो बेटा, ये देखते ही पता चलना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है, ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन में मेनली क्या करना है, आपको ये पर्टिकुलर ग्रुप को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, CH2 के अंदर. बहुत सिंपल रिएक्शन. ठीक है, तो क्या होने वाला है यहां पर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर CH2 और यहां पे एच, यहां पे क्या बन जाएगा आर, इस पटना यहां से ये क्या करना है यहां पे CH2, यहां पे आर, इनको वन टू लिख देता हूं, वन टू, ये भी वन टू. अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, हम एक जनरल मैकेनिज्म लिखते हैं, उसमें क्या होगा कि दोनों R1 R2 लिखूंगा मैं. R1 R2 का दोनों अल्काइल तो आप मान लेना वो कीटोन है, अगर R1 अल्काइल R2 हाइड्रोजन मान लेना वो एल्डिहाइड. तो हम एक सिंपल मैकेनिज्म लिखते हैं किसके लिए, कीटोन के लिए, कि किस तरीके से उसने इसको इसमें रिड्यूस कर दिया. ठीक है, ये इसका क्या काम है, एचसीएल में क्या काम है, सब अभी देखते, सब सारा देखेंगे. बट एक बात याद रखना बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, साथ में इसका जो एचसीएल है ना, जो एसिडिक मीडियम, ये बात इंपॉर्टेंट है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखेंगे हम. पर बात सुनो, इसका मैकेनिज्म जो है कुछ इस तरीके से चलता है. मैकेनिज्म बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स में, बट हम लोग वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो सबसे इजी वाला मैकेनिज्म है और जिसको याद करने का टेंशन होगी, मतलब कि जेई लेवल पे वो मैकेनिज्म सफिशियंट है, मतलब उसके हिसाब से आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. देखो क्या होता है ना कि एक रिएक्शन किस वे में प्रोसीड करिए उसको बताने के एन नंबर ऑफ फेज होते हैं. ठीक है, और उसमें जो सबसे करेक्ट वे होता है वो हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं. अब हम क्या करते हैं, हम सबसे इजी वाला मैकेनिज्म लेते हैं ताकि वो हमको अच्छे से याद रहे. ठीक, एक बात याद रखना, जिंक प्रेजेंट है, जिंक एक मेटल है. जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक आप सब जानते हो क्या करता है, ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन अपने में से लॉस करेगा और क्या करेगा, जिंक 2+ फॉर्म करेगा. ठीक, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए. अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करने वाले हैं. और ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, ये स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, रिडक्शन को बोलते हैं. तो सिंपली मैकेनिज्म दो कुछ इस तरीके से चलेगा, R1 C डबल बॉन्ड O R2, कार्बोनिल कार्बन पर चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव. ठीक है बेटा, क्यों, ऑक्सीजन से अटैच है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, ये डेल्टा नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं हमारे पास. तो क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये आके अटैक मारेगा कहां पे, इस कार्बोनिल कार्बन पर. कार्बोनिल कार्बन अटैक मारे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो कितना चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चलेंगे. ठीक है, दो किस तरीके से बन गया, R1 C R2, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये ओ नेगेटिव, उस नेगेटिव को चुपचाप करने के लिए आ गया, उसके बाद जिंक +2 और साथ में Cl-. क्यों, क्योंकि तो दो प्लस है तो दो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज चाहिए, तो एक नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन का मिल गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज Cl-. और क्यों, ये हमारे पास HCl है तो Cl- आयन होगा सोल्यूशन में. ठीक, अब ये हो गया. अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या जनरेट हो चुका है, कार्बन आयन जनरेट हो चुका है. सिंस मीडियम के ऐसा एसिडिक तो हमारे पास H+ भी होगा मीडियम के अंदर, तो ये कार्बन आयन क्या करेगा, सिंपली यहां से H को उठा लेगा. ठीक है, H+ को उठा लिया, ये बन गया R1 C, ये H, यहाँ पे ये R2, यहाँ पे ये O-, यहाँ पे Zn+2 और साथ में Cl-. ठीक है, समझ में आ जाए आपको. अब पास अभी भी कार्बन सा अटैच ऑक्सीजन, तो यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव थोड़ा बहुत होगा. अब क्या होगा, फिर से एक और जिंक वाला आइटम अपना दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और टू इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले ये फिर से आके अटैक करेगा इस कार्बन पे,
और यहां से वो नेगेटिव निकल जाए। किसके फॉर्म में? जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में निकल। किसके फॉर्म में बेटा? जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में ये यहां से निकल गया। अब ये बात समझो, आप सोचोगे सीएल नेगेटिव कहां जाएगा? कोई नहीं जाएगा बेटा, ये सीएल नेगेटिव में हमको एक बार एस प्लस की जरूरत पड़ेगी, तो दो सीएल नेगेटिव इस जेड एन प्लस टू से कंबाइन हो क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब कि जेड एन सी एल टू भी निकल जाएगा, मतलब जेड एन प्लस टू और यहाँ पे क्लोरीन और एक और क्लोरीन होगा सोल्यूशन में, तो जेड एन सी एल बाय प्रोडक्ट पे इसका ध्यान मत दो, ठीक है। और ये जिंक ऑक्साइड निकल गया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? आर वन सी एच आर टू, वापस से कार्बन पे क्या गया? नेगेटिव। ठीक, देखो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो कार्बन पे क्या गया? नेगेटिव। चल फिर से कार्बन आयन बन गया, अब ये कार्बन आयन वापस से क्या करेगा? सोल्यूशन में से एच प्लस को उठाएगा। वही तो ये कार्बन आयन का तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा आर वन सी एच टू आर टू। तो मेनली हमने क्या किया, जो हमारा कार्बोनल ग्रुप था, जो कार्बोनल ग्रुप था उसको रिड्यूस कर दिया मैंने किसके अंदर? सी एच टू ग्रुप के अंदर, बहुत सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। हमने देखा कि जिंक किस तरीके से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस तरीके से कार्बन आयन बना रहा है और इस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। अब देखो इसका एक रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने को ये याद रखना है क्योंकि इससे अपना क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ठीक है। और याद रखने में कुछ बड़ा कुछ है नहीं, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन और उसके दो इलेक्ट्रॉन का अटैक मारा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर गया, ओ नेगेटिव बना, इस कारण ने एच प्लस दिया, ये एक एच चिपक गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन वापस अटैक मारे, ओ नेगेटिव निकल गया, जिंक ऑक्साइड, ये जेड एन प्लस टू, ये क्लोरिन और एक और क्लोराइड आयन के साथ जेड एन सी एल टू बना देगा, कार्बन आयन फिर से बना हुआ एच प्लस लेके सी एच टू में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अगर यहाँ पे आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा अल्केन के अंदर, और आपके पास एल्डिहाइड है तो उसका रिडक्शन हो जाएगा किसके अंदर? अल्केन के अंदर। सिंपल है बेटा, जल्दी से इसको छापो आप, जल्दी से प्लीज। ठीक बेटा छाप लिया। अब छापने के बाद हम क्या करते हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर उसके बाद हमें एक और चीज पढ़ेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इस रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है, कि रिएक्शन में दिक्कत क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर वन, ये है आपके पास जिंक अनाजम इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल, इसको देखते क्या समझ में आना चाहिए कि क्लेमेंसन रिडक्शन प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक बना इसका प्रोडक्ट, इसे प्रोडक्ट बनाओ, मैं देता हूं आपको अच्छे क्वेश्चन, ये लो स्टार्टिंग वाले तो फालतू फालतू क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है ये नीचे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, एक क्वेश्चन नंबर फाइव भी देता हूं मैं आपको, ठीक बेटा। ये आपके पास पांच क्वेश्चन है, आपको जितना टाइम ले लो, पॉज करो, कल परसों तक पॉज करके सॉल्व करना है करो, बट पहले खुद सॉल्व करो फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो फिर देखते। हो गया बेटा ये, अरे बात समझो, पहली रिएक्शन जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी एचसीएल, मतलब ये क्या बेटा? जिंक अमालगम और एचसीएल साथ में देने का मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन बेटा कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? सीएच टू, मतलब कि नॉर्मल एल्केन के अंदर रिड्यूस करता है, मतलब कि यहां से ऑक्सीजन हटाओ एचएच लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ एचएच लगाओ, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपकी रिंग बन जाएगी, यहां पे ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, और यहां पे भी मैंने कार्बन को हटा के ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, मतलब एक साइक्लोहेक्सेन उसमें मिथाइल लिंक, मतलब वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिंपल सी रिएक्शन थी, कुछ नहीं करना है, इसको रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, मैकेनिज्म जैसा हमने देखा उसके हिसाब से, ठीक। मतलब आपको मेनली करना क्या होता है, ये जब आपको क्लेमेंसन रिडक्शन दे रखा है तो ये जो ग्रुप होता है ये वाला ग्रुप, इसको कन्वर्ट कर दो सिंपली इस ग्रुप के अंदर, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो,
आजू बाजू में जो अटैच है उसको बना दो, आपको सी डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सीएच टू के अंदर, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, इसको कन्वर्ट किया सीएच टू, इसको कन्वर्ट कर दिया सीएच टू, बात करो। ठीक, सेम यहां पे देखो बड़ा सी डबल बॉन्ड हो, क्या करो बाकी चेन वैसी की वैसी बना दो, यहां पे एक ऐसे लगा दो, यहां पे एक ऐसे लगा दो, रिडक्शन हो गया इसके, वेरी गुड। ये देखो बड़ा इसमें भी सेम है, जो साइड में उसको वैसे ही रहने दो, ऑक्सीजन हटा के वहां पे दो ऐसे लगा दो, ये बन गया ये प्रोडक्ट। ये क्या बन गया बड़ा, इथेन बन गया। क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन के थ्रू हम अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि इस रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है, और जो मैंने एसिडिक मीडियम भी कहा था ना वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक बात का काम करते हैं, ध्यान से स्टार्ट करते हैं। ठीक, जरूर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है, यहां पे आपको एक डबल बॉन्ड भी दे रखा है उन्होंने, और यहां पे डबल बॉन्ड ओ भी दे रखा है। आपको रिएक्शन करवाने किसके साथ, जिंक अमोनियम इन प्रेजेंस ऑफ एफ सी एल। अब एक बात समझो बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, ये तो हमको पता ही था। उससे पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूं। सपोज क्या हुआ कि आप आपकी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत इनसिक्योर, आपने सोचा कि मैं मार्केट से एक रोबोट लेके आता हूं जो कि आपकी गर्लफ्रेंड को सेफ रख के रखेगा। ठीक है, मतलब आप गर्लफ्रेंड हटा के किसी बहन या मम्मी किसी को भी रख सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, एग्जाम्पल। ठीक है, आप तो आपने क्या सोचा कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को मुझे सेफ रखना है तो मैं एक रोबोट लेके आता हूं। रोबोट लेके आ गया, रोबोट रोबोट लग नहीं रहा वैसे, रोबोट है। ठीक, तो ये रोबोट क्या करना चाहिए कि अपनी गर्लफ्रेंड को उसको सेफ रखना है, मतलब बाकी लोगों से, बाकी जो खराब लोग। आप मार्केट से रोबोट को लेके तो आए कि यार जिस आपकी गर्लफ्रेंड को सेफ रख के रखेगा, बट मतलब दिक्कत क्या थी कि इस रोबोट में था मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब कि आपकी गर्लफ्रेंड को सेफ तो रख ही रहा था, साथ में क्या हुआ कि ये इसको भगा के लेके चले गए, भगा के किसी दूसरी कंट्री में भी ले गया, मतलब कि इस रोबोट का आपकी गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया और लेके चले गया। अब आपने तो रोबोट को हायर क्यों किया था, ताकि वो आपकी गर्लफ्रेंड को बस सेफ रख सके, बट भाई साहब ने सेफ रखने के साथ साथ उसको साथ में भगा के लेके भी चले गया, मतलब एक काम करने के लिए रखा था बट वो दूसरा काम भी करने लग गया। बहुत गंदी बात है भाई, तुझे जब इसको मैंने सिक्योरिटी के लिए रखा था तो मेरी गर्लफ्रेंड को भगा के लेके चले गया, ये तो बहुत गंदी बात है। तो बस वैसे ही काम कुछ यहां पे होने वाला है, मतलब कि जब मम्मी ने मेरे को बोला, मम्मी ने मेरे को क्या बोला कि बेटा एक काम करना कि जो मैंने तेरे को रिएक्टेंट दे के रखा हुआ ना, इसमें तू बस ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, इसको रिड्यूस कर देना, मतलब इसकी रिएक्शन कर देना, और इस ग्रुप को तो टच मत करना। ठीक, हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, मम्मी ने जो मांगा था प्रोडक्ट मेरे से, वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट था उनका, मतलब कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को रिड्यूस करके यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दे और इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देना। बट सिंस ये जो रिडक्शन हम करवा रहे हैं, ये रिडक्शन हम कौन से मीडियम में करवा रहे हैं बेटा, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एसिडिक मीडियम में क्या ये अंधा है क्या, नहीं ना, इसको तो जहां पे पॉसिबिलिटी मिलेगी रिएक्शन करेंगे वहां पे कर देगा, बस ये देखेगा कि भाई साहब ये क्या एक अल्कीन है तो क्या होगा, H+ में से क्या होगा, ये H+ आएगा, HCl में से H+ आएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और फिर यहां पे इस तरीके से कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उस कार्बोकैटायन पे क्लोराइड आयन अटैक मारेगा और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहां पे क्लोरीन था। अब हमने प्रोडक्ट मांगा क्या था, हमको प्रोडक्ट चाहिए था, ये बन क्या गया प्रोडक्ट, ये मतलब इस पर्टिकुलर रिएजेंट को कहा मैंने सिर्फ इसके साथ रिएक्शन के लिए छोड़ा था, ये भाई साहब ने इसके साथ भी रिएक्शन कर डाला है ना। तो बस ये जो ऐसे ग्रुप होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। क्या बोलते बेटा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप अगर उसने एसिडिक मीडियम मांगा तो वो भी रिएक्ट करने वाले हैं। अब ये तो बहुत गंदी बात हो गई, क्यों, क्योंकि मैं तो चाहता था कि बस ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करे और इसको ऐसे का ऐसे रहने दे, उसको टच ना करे, बट वही वो काम कर रहा है वो रोबोट कि भाई साहब सेफ्टी के लिए रखा था बट भगा के भी लेके चलेगा। वैसे बेटा ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस किया और इसके अंदर एडिशन शो कर दिया। वही एचसीएल अगर आपके पास एक एसिडिक मीडियम है तो उसमें एल्कीन में हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन के अंदर हम एचसीएल डाले तो इस तरीके से एच और सीएल का क्या हो जाएगा, वहां पर एडिशन हो जाएगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन हम पढ़ ही चुके हैं पहले, है ना बेटा। हाँ, तो यही इसकी दिक्कत है कि जो हमारे जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, वो आप ऐसे कंपाउंड के साथ नहीं करा सकते, ऐसे कंपाउंड के साथ नहीं करा सकते जिसमें क्या हो, एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो। क्यों, क्योंकि वो इसको तो रिड्यूस करेगा साथ साथ वो एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, और हमारा टारगेट क्या था, सिर्फ हमको इसको रिड्यूस करना है, इसको तो टच भी नहीं करना है। तो बस
इसी चीज का सोल्यूशन किसने ढूंढा, वुल्फ किस्नर ने, ठीक है। तो जो सेकंड साइंटिस्ट है जिसने सेम रिएक्शन शो करी, बोला कि एक काम करो कि अगर तुमको ऐसी दिक्कत आ रही है तो मैं तुमको सोल्यूशन देता हूं, तो मेरी रिएक्शन यूज करो, क्योंकि मैं कौन सा मीडियम यूज करने वाला हूं। जो वुल्फ किस्नर रिएक्शन है, वो जो अपनी रिएक्शन करता है वो करता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो KOH का एक बेस है, और सिंस ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो हम तो बेस तो यूज कर ही सकते हैं। मतलब कि अगर आपको रसगुल्ले से एलर्जी है तो गाजर का हलवा तो खा सकते हो ना, वैसे ही। मतलब अगर इसको HCl के साथ अगर दिक्कत है तो KOH के साथ रिएक्शन हो सकती है। अब ये कैसे होती है मैं आपको बात बता रहा हूँ। सुनो, तो बात समझ आई कि क्लेमेंसन रिडक्शन का ड्रॉबैक क्या था, कि इसमें हम HCl एक एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, जिसके वजह से अगर हमारे रिएक्टेंट के अंदर अगर एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वो भी इससे रिएक्ट कर जाएगा और हमको हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल नहीं पाएगा, ये इसकी दिक्कत थी। तो देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा न कि ये। तो आप इस तरीके से लिखोगे और आप एक नोट लिखोगे कि सिंस क्लेमेंसन रिडक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, सो दिस रिएक्शन वी कांट यूज इन इन पर्टिकुलर रिएक्शन विच हैज एसिड सेंसिटिव ग्रुप। मतलब कि ये जो रिडक्शन है हमारा एसिडिक ग्रुप में, एसिडिक मीडियम में होता है, तो ये रिएक्शन हम उन रिएक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते जिनके अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। क्यों? क्योंकि वो इसका रिएक्शन तो कर देगा बट साथ में इसके साथ भी क्या कर देगा, रिएक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो अब हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन का बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी देख लेते बेटा। और बेटा आप लोगों को ना एक बात मैं बता दूं कि थोड़ा सीरियसली लिया कर वीडियो लेक्चर्स को, और वो जो हाइड्रोकार्बन की सीरीज चल रही है उसको आपको कंप्लीटली फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से दे रखा आपको, ठीक। यहाँ पे क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे दे रखा है एच, यहाँ पे क्या दे रखा आपको इस तरीके से मिथाइल और एक OH। अब देखो बेटा वापस से सेम रिएजेंट है ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भाई साहब इसको रिड्यूस करेंगे हाँ, और ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर हम HCl का एडिशन कर सकते हैं, सिंपल है। तो क्या होगा, HCl इसको H+ देगा, इस तरीके से H+ दे देगा, ये वाटर बन गया और लिविंग ग्रुप के अंदर निकल गया, कार्बन आयन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो ऊपर वाला ग्रुप तो रिड्यूस होने वाला है, तो सिंपली उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो CH3, क्योंकि CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक और H है तो CH3, ठीक। देखो वो लिविंग ग्रुप निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे कौन अटैक मार देगा, यहाँ पे अटैक मार देगा CL नेगेटिव, यहाँ पे लग गया CH। तो क्या हुआ देखो बड़ा, ये इसको रिएक्ट कर गया और इसके साथ रिएक्ट कर गया, पर मुझे क्या चाहिए था कि नीचे वाले ग्रुप पे टच ना करे, बट इसने टच कर लिया। तो बस यही क्लेमेंसन रिडक्शन का ड्रॉबैक है कि जिस जिस रिएक्टेंट के अंदर, जिस जिस रिएक्ट के अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, OH हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो उनके साथ क्या होता है, वो रिएक्ट कर देता है, पर हमको वो करवाना नहीं है। तो बस यही इसका ड्रॉबैक है कि जिस रिएक्टेंट के अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है उसमें हम ये पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि वो बाकी ग्रुप के साथ भी रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो ये नोट आपको लिखना है, उसके बाद हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि हमारी क्या है, वुल्फ किस्नर रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन बोल दो आप, ठीक है। दोनों काम क्या करते हैं, रिडक्शन इसे हम क्या बोलेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। देखो वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी सेम काम करता है, बस डिफरेंट क्या है कि ये रिएक्शन जो क्लेमेंसन वाली थी वो एसिडिक मीडियम में हो रही थी, और जो वुल्फ किस्नर वाली रिएक्शन है वो कहां होगी बेटा, बेसिक मीडियम में होगी, ठीक है। देख लेते हैं, देख लेते हैं एक साथ, वुल्फ किस्नर रिडक्शन करता क्या है बेटा, ये बहुत सिंपल है। देखो बेटा ये इस तरीके का जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, इसको कन्वर्ट कर देता है वो CH2 ग्रुप के अंदर, सिंपल बेटा, ये इससे इसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल। रिएजेंट क्या होता है बेटा इसमें, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक बेटा। ये इसका क्या होता है, रिएजेंट होता है, याद रखिए। अरे बात समझो कि यहां पे क्या यूज किया मैंने, मीडियम, बेसिक मीडियम यूज किया, तो मतलब ऐसे ग्रुप जो कि क्या है, ऐसे सेंसिटिव है, मतलब कि इट्स लाइक कि मुझे ना रसगुल्ला पसंद नहीं है, तो एक थाली आती है हल्दीराम की जिसमें रसगुल्ला आता है, मैं वो थाली खाऊंगा नहीं कभी, तो मैं क्या करूंगा, मैं डोमिनोज में आके कुछ खा लूंगा कि उनकी थाली के अंदर रसगुल्ला नहीं आता। मतलब वैसी बात है कि जिसको एसिड से एलर्जी है तो हम कौन सा रिएक्शन यूज कर लेंगे, वुल्फ किस्नर वाला, क्योंकि ये रिएक्शन किसमें हम कराते हैं, बेसिक मीडियम में, तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे क्या, ये रिएक्शन करवाते हैं हम बेसिक
मीडियम के अंदर ठीक। और एक बात समझो कि भाई फिर क्लेमेंसन को क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा क्लेमेंसन को इसलिए पढ़ रहे हैं कि सपोज कोई रिएक्शन है, कोई ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें क्या है एक बेस सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब कि मुझे बेस पसंद नहीं, तो मैं कौन सा वाला रिएक्शन प्रेफर करूंगा? क्लेमेंसन वाला, क्योंकि वहां पर हम क्या यूज करें? HCl जो कि एक एसिड है। बस वैसे ही होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जिसके अंदर एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे ताकि वो जो सेंसिटिव ग्रुप है उसको कोई फर्क ना आए। और सपोज एक बेस सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब कि उसको बेस आने से दिक्कत है, तो हम लोग वो रिएक्शन करा देंगे एसिडिक मीडियम में से उल्टा करना है। और ये क्वेश्चन जेईई में बहुत बार पूछ चुका, तो याद होना चाहिए आपको ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, देखो सेम मैकेनिज्म है, वापस से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए वैलिड है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कन्वर्ट कर देता है वो किसके अंदर? एल्केन के अंदर ठीक। हम लोग दोनों लिख लेते हैं और फिर एक मैकेनिज्म लिखेंगे एक के लिए, फिर बाकी तो आप समझ ही सकते हो। NH2 क्या होता बेटा? ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH ठीक है। बस आप में हीट वीट भी कर देते थोड़ा सा, क्या वाला लिख देना हीट वीट ठीक। ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2H के अंदर, ये आपके पास R1 C double bond OH NH2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेस या फिर हीट। अब देखो यहाँ पे KOH जो है वो NaOH या फिर कुछ और दूसरा बेस भी यूज कर सकता है, टेंशन लेना नहीं है आपको, वहां पर सिर्फ बेस होना चाहिए। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 यहाँ पे R, ये इस तरीके से R यहाँ पे R लिखना चाहिए हमको ना, ये R ठीक बेटा, ये इस तरीके से काम करेगा। अब एक काम करते हैं, आप पहले इसको छापो, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा लंबा सा है, मुझे थोड़ा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे शायद से आ जाएगा मैकेनिज्म, तो हम यहीं पर मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं ठीक है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा एक दिमाग में याद होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, बस क्या होगा? अटैक होने वाला है। अब कैसे अटैक होगा? मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म जो बड़ा स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, मैकेनिज्म आप मेरे साथ साथ देखेंगे और समझ लो, पहले काम को समझ लो उसके बाद ठीक है। कीटोन के लिए लिख देता हूं मैं ठीक, जगह दोनों आर अल्काइल है तो कीटोन, एक अल्काइल है दूसरा हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, दोनों हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड ठीक। तो एक जनरल मैकेनिज्म लिखते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल हुआ। अब क्या होगा बेटा देखो, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं NH2। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पहले किसकी तरह काम कर सकता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। कार्बोनिल कार्बन पे कहना चाहता है डेल्टा पॉजिटिव ऑप्शन पर डेल्टा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं ऑप्शन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उसके बाद इलेक्ट्रॉन खींचेगा वही फलाना ढंगा अपनी बोरिंग से स्टोर। अब इलेक्ट्रॉन रिच जाकर अटैक पाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, कार्बन बोलेगा रुको, कहा मैं चार बॉन्ड पहले से बना रखा हूं, एक बॉन्ड कहां से बनाऊंगा? तो नाइट्रोजन बोलता है काम कर अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो ऑक्सीजन के साथ, ब्रेक कर दिया कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन जाएगा बेटा क्या? R1C R2, उसको अलग तरीके से लिखता हूं ताकि दिक्कत ना हो। वो नेगेटिव, यहाँ पे देखो मीडियम में के पॉजिटिव भी होगा, के पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो वो नेगेटिव के पास के पॉजिटिव पहुंच जाएगा ठीक। फिर एक हो जाएगा NH, यहाँ पे NH2 नाइट्रोजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मेरा समझ में आता है आपको। अब ये वो नेगेटिव क्या करेगा? ये वो नेगेटिव इस H को उठाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। सिंपल, मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है, ये वो नेगेटिव नहीं इस नाइट्रोजन के पास से H उठाए, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको लोन पर चाहिए उसके वापस से। तो क्या होगा? वो नेगेटिव यहां से H उठाएगा, फिर ये बॉन्ड पे जो NH के बीच का जो बॉन्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के लोन पे जाएगा। तो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर R1 C OH, यहाँ पे R2, यहाँ पे बेटा NH, यहाँ पे बेटा NH2 और नाइट्रोजन में क्या है लोन। सिंपल। अब हमने हीट भी कर दिया है, एक बात समझो, OHH हीट कन्वर्ट कर निकल जाएगा इसके अंदर से वॉटर। तो बेटा इस तरीके से आप दिखा सकते हो, यहां से क्या निकल जाएगा? ये वॉटर, यहाँ पे निकल गया वॉटर, ये कन्वर्ट हो जाएगा R1 C R2 डबल बॉन्ड NH2। अब NH2 को अलग तरीके से लिखते हैं, उसके अलग तरीके का काम आ चुका है ठीक। ये इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है इमाइन के अंदर। अब देखो क्या होगा, अब बेस का रोल आएगा, अब बेस आ गया यहाँ पे। अब बेस मतलब KOH सबको क्या देगा? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव लेके आ जाते हैं। अब OH नेगेटिव सिंस ये बेस तो क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन उड़ेगा, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम है, उससे हाइड्रोजन जो अटैच हुआ एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या होगा? नाइट्रोजन इस तरीके से इसे H को उठाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड कार्बन पे जाएगा, इस तरीके से रेजोनेंस होगा। वापस से समझ लो, OH नेगेटिव ने H को उठाया,
ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया कार्बन के पास, ठीक है, मतलब रेजोनेंस हुआ ओवरऑल। देखो किस तरीके से बन जाएगा, आर वन सी नेगेटिव, यहाँ पे आर टू, यहाँ पे बेटा सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे आ जाएगा क्या एक एच, ठीक है, बहुत सिंपल बेटा। अब कार्बन पे नेगेटिव, कहीं ना कहीं पे एच प्लस तो होगा, एक जुगाड़ देखो यहाँ पे वाटर भी है तो वाटर के पास से वो एच प्लस ले ही सकता है, तो ये कार्बन नेगेटिव कहीं से एच प्लस का जुगाड़ कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका आर वन सी एच, यहाँ पे आर टू सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन एच, ठीक। अब देखो बेस वापस से हाइड्रोजन उठाने आ सकता है, वेरी गुड, आएगा ही आएगा। देखो इस तरीके से बेस आ गया आपका ओएच नेगेटिव, और ये ओएच नेगेटिव वापस से इस एच को उठाया, ये वाला बॉन्ड यहां पे गया, ये वाला बॉन्ड कार्बन पे गया, क्यों बेटा बात समझना, बिकॉज ये जो एन डबल बॉन्ड एन जो अजो ग्रुप है ये बेटा जैसे इसके पास देखो एक इको बॉन्ड आ जाएगा, मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब वो एन टू, मतलब एन टू एक अच्छा लिविंग ग्रुप, एन टू तो बेटा स्टेबल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस, तो क्या हो जाएगा इस प्रोसेस में जो गैस निकलेगी वो क्या निकलेगी एन टू गैस निकल जाएगी, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। और ये देखो वाटर ओ नेगेटिव इससे अटैच होकर क्या निकल गया वाटर ओ एच नेगेटिव एच प्लस देखिए वाटर, और यहां से एन टू निकल गया कार्बन भी क्या गया फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बन जाएगा बेटा आर वन सी एच आर टू और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये वाटर के पास से एच प्लस ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आर वन सी एच टू आर टू के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने कहां से स्टार्ट किया था, यहां से देखो रिएक्शन कैसे कैसे गई है, हमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे गई है फिर ऐसे गई है फिर ऐसे गई है फिर ऐसे गई है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, कॉमन सी रिएक्शन है। नाइट्रोजन क्लोन पर अटैक मारा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर गया, ओ नेगेटिव बना, के पॉजिटिव उसके पास आ गया, नाइट्रोजन पॉजिटिव उसको हटाने के लिए ओ नेगेटिव यहां से उठाया और यहां पे वो अपने वापस से लोन पे उसके पास आ गए। अब यहां पे ओ एच आ गया, यहां पे एच हीट किया वाटर निकल गया डबल बॉन्ड आ गया, ओ एच नेगेटिव यहां से उठाया, यहां पे ये कार्बन आयन बना एच प्लस लिया वो खत्म, ओ एच नेगेटिव एक बार एच उठाया यहां से एन टू बेस निकल गया वाटर निकल गया और एक कार्बन आयन फिर से बन गया, उस कार्बन आयन एच निकाल के ये बन गया, ठीक। तो ये पूरी रिएक्शन हमने कौन से मीडियम में करवाई बेटा बेसिक मीडियम के अंदर, जल्दी से आप इसको रिएक्शन को नोट करो, फिर हम इसका ड्रॉबैक भी देखते हैं कि क्या दिक्कत क्या है इस रिएक्शन के साथ, ठीक, जल्दी से नोट करो। ये बेटा आपने कर लिया रिएक्शन, चल वेरी गुड। अब हम लोग इसके बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो अब ये क्या है ना बेटा, अभी आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज क्या है बेटा सबके पीछे जो बेसिक नॉलेज है वो सेम रहने वाली है, रिएक्शन सेम रहने वाली, आपको रिएक्शन का रोल याद आना चाहिए, बट आपको उसका अप्लाइड पार्ट आना चाहिए, बिकॉज अप्लाइड पार्ट नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपसे रिएक्शन नहीं पूछेगा, वो आपका इस रिएक्शन का एप्लीकेशन पूछेगा कि किस तरीके से आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है, और वो तभी आता है जब हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो अब जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दू, एक सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, इसकी रिएक्शन आप कराओ एनएच टू इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एच और साथ में क्या है, अब एग्जाम में हीट ना दिए तो रोने मत बैठ जाना, रिएक्शन तब भी करा के आओ, NH2 को वो N2H4 लिखे तब भी रिएक्शन कराना, रोने मत बैठ जाना, तो ये सब डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, इनको देख के डरना नहीं होता, ठीक है। अब KOH की जगह बस OH नेगेटिव लिख के देते हीट दे दे और आपको N2H4 लिखे तो आपका डर जाओगे नहीं, सेम ही रिएक्शन है बस डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ ताकि आप घूम जाओ, बट घूमना नहीं। वन करो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू देता हूं मैं आपको, सेम है देखो इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं N2H4 OH नेगेटिव डेल्टा, सेम ही रिएजेंट है बस अलग तरीके से लिखा होगा, ठीक है, देख के डरना नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको देता हूं, ये थर्ड है ना क्वेश्चन नंबर, इसी को मैं आपको देता हूं दो डिफरेंट तरीके से, मैं डिफरेंट तरीके से नहीं देता हूं, पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन देता हूं, ठीक बेटा, ठीक है,
ठीक, ये भी करना आपको, जल्दी से करो। और इसी रिएक्शन में आपको एक और दे देता हूं कि जिन कमांड रूम इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल, जल्दी से करो। ओके बेटा, चलो पॉज के लिए अटेंड कर लेगा। क्या करेगा, सिंपली इसको कन्वर्ट कर देगा सीएच टू में, ठीक है। तो बन गया बेटा क्या, सीएच थ्री सीएच टू पी एच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर यहाँ पे कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो आराम से रिएक्शन हो जाएगी बेटा। यहाँ पे कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सीएच टू, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ये सिक्स नंबर की बेंजीन की रिंग, ठीक। तो एक दो क्वेश्चन तो बच्चों वाले थे, जल्दी से आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते, बात समझो बेटा, यहां से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने प्रोडक्ट पता क्या लिखा हो, ये लिखा हो, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। आपने प्रोडक्ट ये लिखा हुआ, इसका ये कितने लोगों ने ए ये लिखा है, गलत है बेटा ये। जिन जिन लोगों ने ए ये लिख के रखा है वो गलत है, क्यों बता दू, बस बस ये मूल प्रश्न और क्लेमेंसन में यही है कि अपनी सारी की सारी जितनी आंखें हैं आपकी सारी खोल के बैठो, तभी कोई गलती होगी नहीं। आगे बढ़ा, NH2 KOH और आपको हीट दे देगा, मतलब वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन करना है हमको, मतलब वो कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा COH करना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने ये करना तो था ही, कि मतलब यहां पर बड़ा H और यहां पर H लगा दो और ये आपने ऐसा बना दूंगा। बड़े बात समझना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या बेटा, बहुत गंदा लिविंग ग्रुप है ना, ये बहुत गंदा लिविंग ग्रुप है। और साथ में मीडियम कैसे दे रखा है आपको, मैंने KOH क्या बेटा, OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, ये गंदा लिविंग ग्रुप है, यहां से एक हाइड्रोजन को उठाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा, और फिर वो कार्बोनाइन यहाँ पे जाएगा, यहां से फ्लोरीन को निकाल के फेंकेगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। और मतलब क्या है बेटा, ये जो बेटा एक गंदा लिविंग ग्रुप है, बेस के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे बेटा, E1CB है बेटा, याद है कि नहीं याद है, E1CB। तो मतलब क्या, ये जो ग्रुप है बेटा, ये क्या बेटा, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, क्या बेटा, बेस सेंसिटिव ग्रुप है। तो मतलब ये भाई साहब इसको रिएक्ट तो करेंगे, इसको रिड्यूस तो करेंगे, साथ साथ इसको भी रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर अगर मुझे प्रोडक्ट ये वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, वेरी गुड, हम इसके लिए क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे। क्यों, देखो क्लेमेंसन रिडक्शन में ये कौन सा मीडियम है बेटा, एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम इस पर्टिकुलर ग्रुप को इफेक्ट नहीं करने वाला, और क्लेमेंसन रिडक्शन सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा। तो इसमें जो ए क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा, देखो ए प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, पूरे प्रोडक्ट कैसी की तैसी हो जाएगी, और जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो बी वाला हमारा बनेगा जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इस तरीके से ये, ठीक है। तो बी में यहाँ पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आया, बिकॉज मीडियम क्या था हमारा, एसिडिक। तो क्लेमेंसन में तो बराबर प्रोडक्ट बन गया, बट वुल्फ क्रिस्टल में मैं करवाऊंगा तो प्रोडक्ट हमारा कुछ बदला से ही बन जाता है। तो बस यही याद रखना है कि अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप है, अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो आप किसमें रिएक्शन कराओगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे, मतलब की क्लेमेंसन रिएक्शन करवाओगे। वही अगर बेटा अगर आपके पास जैसे कि अगर मैं OH लिख दूं, तो OH क्या होगा बेटा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो आप क्लेमेंसन में रिएक्शन न करवाते हुए किसमें करवाओगे, वुल्फ क्रिस्टनर का यूज करोगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप सिंपल से एक नोट लिख लेना कि इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट देन वी विल गो फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन नॉट फॉर वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, एंड इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट देन वी विल गो फॉर द वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन नॉट फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपको लिखना है, और ये नोट तो लिखना है बिकॉज एग्जाम में इसी पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पर आपको क्वेश्चन को पूछने वाला है, ठीक। अब आज के लिए इतना बहुत है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा प्लीज, और साथ में बेटा कमेंट करके बताओ क्या चाहिए आपको, कुछ डाउट है वो बता दो, ठीक है। और तो क्या बात, देखते हैं, जय हिंद, थैंक यू सो मच।